और अब बात करते हैं शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजों की। नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है। 24 वार्ड पर कांग्रेस को जीत मिली है। 9 वार्ड पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है। 1 वार्ड पर सीपीआईएम के प्रत्याशी का कब्जा है। अब तमाम जानकारी हम आपको डिटेल से भी दे देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की टूटू अनाडेल, कैथू, मजाहत, बालूगंज, कच्ची घाटी, टूटीकंडी, नाभा और इसके साथ ही राम बाजार, लोअर बाजार, जाकू, बेनमोर, इंजन घर, लोअर जहाली, संजोली चौक, शांति बहार, भट्टा कुपर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर की कब्जा जमाने में कांग्रेस पूरी तरह सफल रही है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए एक तरह से खुशियां मनाते हुए सड़कों पर नजर आए थे। सूची इसको लेकर सामने आ चुकी है कि किसने किस वार्ड पर कब्जा जमाया है। नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया था। प्रचार में कमी हालांकि बीजेपी ने भी नहीं छोड़ी थी। सीधे तौर पर माना ही जा रहा था कि आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया और सीधे तौर पर ये हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत है कांग्रेस का। अब कांग्रेस को किस चीज का फायदा मिला, ये एक तरह से विश्लेषण की बात है। क्या फायदा गारंटियों को लागू करने के प्रयास का मिला है, क्या फायदा सत्ता में रहने का मिला है और क्या फायदा परिवर्तन का मिला है। तमाम ये सवाल है जो फिलहाल विश्लेषण का विषय है। लेकिन इसी बीच जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी अब आम जन के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए 5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं शिमला नगर निगम की जनता जो की मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये पहला 10 साल में चुनाव है जो चुनाव चिन्ह पर पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है और 10 साल बाद हम नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम नगर निगम में आए हैं। इतनी सीटें पहली बार हमें नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए पहली बार मिली है। मैं शिमला की जनता का और जो हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस आशा के साथ कि जिस प्रकार का विश्वास हमें प्रकट किया है, हमें जनता की सेवा करनी है और हमें शिमला को सुंदर बनाना है। शिमला में जो बिजली के तारों का जाल है उसको कैसे अंडरग्राउंड करना है और स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध करवाना है, इस दृष्टिकोण से मेरी सभी पार्षदों से भी बात हुई। हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारे पार्षद है इस दृष्टिकोण से ज्यादा कार्य करेंगे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कहां से कौन जीता है। ग्राफिक के जरिए ये पूरी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम मोदी ने जीत दर्ज की और वार्ड नंबर 22 कांग्रेस प्रत्याशी विनीत शर्मा जीते हैं। वार्ड नंबर 23 कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर की जीत। वार्ड नंबर 24 कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप कुमार जीते। वार्ड नंबर 25 कांग्रेस प्रत्याशी शांता वर्मा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 26 बीजेपी प्रत्याशी कुसुम ठाकुर जीती और वार्ड नंबर 27
बीजेपी प्रत्याशी रचना जीना शर्मा ने जीत दर्ज की। 28 वार्ड कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान जीते। कांग्रेस प्रत्याशी रचना की वार्ड नंबर 29 से जीत। वार्ड नंबर 30 कांग्रेस प्रत्याशी राम रतन वर्मा की जीत। वार्ड नंबर 31 बीजेपी प्रत्याशी आशा शर्मा की जीत। वार्ड 32 बीजेपी प्रत्याशी निशा ठाकुर की जीत। वार्ड 33 कांग्रेस प्रत्याशी चमन प्रकाश की जीत। वार्ड 34 कांग्रेस प्रत्याशी आलोक पठानिया की जीत।